हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेवतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, कक्षा 12 भूगोल प्रायोगिक के अंतर्गत हमने चर्चा की मानक विचलन, कोटि आकार से संबंध, बहुलक और माध्यक की। तो दोस्तों, काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि समांतर माध्य भी समझा दीजिए। तो दोस्तों, आप ही की फाइल का क्वेश्चन क्रमांक 11 आज हम ले रहे हैं, जो कि पृष्ठ संख्या 34 पर है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित हर एक न्यूज आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे समांतर माध्य के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं समांतर माध्य। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्रमांक 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित सारणी में दिए गए मूल्यों के आधार पर समांतर माध्य ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आपको एक तरफ सिंचित क्षेत्र दिया है हेक्टर में, एक तरफ आवृत्ति दी हुई है। हमें दो कॉलम बनाने हैं, हम इसको प्रत्यक्ष विधि से हल कर रहे हैं, जैसा कि 10वीं क्लास में आपने सीखा था। इसमें आपको एक मध्य मूल्य निकालना है, जो कि एक्स रहेगा, और दूसरा कॉलम है एफ एक्स का। ये एफ है, ध्यान रखना है, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी या एफ से दर्शाते हैं। तो दोस्तों देखें, यहाँ पे हमें एन निकालना है, इन सब का योग एन कहलाएगा और ये होगा 170। चलिए दोस्तों, माध्य मूल्य कैसे निकालेंगे? यहाँ पे उच्च सीमा और निम्न सीमा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके दो का भाग करना है, यानी उसका आधा करना है। 10 और 5 हो जाएंगे 15, 15 में दो का भाग जाएगा 7.5 बार। दोस्तों, आपको बार बार जोड़ना नहीं है, यहाँ पर 5-5 का अंतर है, तो इन संख्याओं में भी 5-5 का अंतर जरूर आएगा। तो दोस्तों देखें, अगला मूल्य हो जाएगा आपके 12.5, उसके बाद आ जाएगा 17.5, उसके बाद आ जाएगा 22.5, उसके बाद आ जाएगा 27.5, उसके बाद आ जाएगा आपके 32.5 और अंत में आ जाएगा 37.5। तो 5-5 का अंतर लेते हुए हमने मध्य मूल्य ज्ञात कर लिया है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, मध्य मूल्य कैसे ज्ञात करना है, समझ में आ गया होगा। इन दोनों सीमाओं को जोड़कर दो का भाग करना है, यानी कि उसका आधा करना है। इसी प्रकार इनको जोड़कर दो का भाग, सबको जोड़कर दो का भाग देंगे तो हमें मध्य मूल्य का कॉलम जो है प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, अगला कॉलम है एफ एक्स का, इन दोनों कॉलमों को हमें गुणा करके यहाँ पे लिखना है। तो जैसे आप इन दोनों को गुणा करेंगे, तो दोस्तों देखें, आपको गुणा करना है। दोस्तों, किसको किससे गुणा कर रहे हैं? आवृत्ति के कॉलम को हम गुणा करेंगे दोस्तों किससे? मध्य मूल्य के कॉलम से। तो दोस्तों, 7.5 को गुणा करवाना आपको 15 से, तो ये आ जाएंगे 112.5। चलिए दोस्तों, ये आ जाएंगे आपके 112.5। दोस्तों, आगे हम गुणा करेंगे 12.5 को 25 से, तो ये आ जाएंगे आपके 312.5। उसके बाद आगे हम जैसे ही 30 को 17.5 से गुणा करवाएंगे, तो ये आ जाएंगे आपके 525। दोस्तों, आगे हम गुणा करेंगे 22.5 को 35 से, तो ये आ जाएंगे आपके 787.5। 28 को गुणा करेंगे 27.5 से, तो आ जाएंगे दोस्तों 770। आगे हम गुणा करेंगे 32.5 को 20 से, तो दोस्तों आ जाएंगे 650। आगे इन दोनों को गुणा करने पर आ जाएंगे आपके 637.5। तो दोस्तों, प्रत्येक मान को हमने क्या कर लिया है? गुणा कर लिया है। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है? सबको जोड़ना है। 112.5 प्लस करना है हमें 312.5, उसके बाद और प्लस करना है 525, उसके बाद और प्लस करना है हमें 787.5, उसमें जोड़ना है दोस्तों 770, फिर दोस्तों जोड़ना है हमें 650, और लास्ट में जोड़ना है दोस्तों 637.5। इस प्रकार जैसे आप इन सबको जोड़ेंगे फ्रेंड्स, ये कहलाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स, और इसका मान आएगा 3795। दोस्तों, हमने जोड़ा और जोड़ने पे दोस्तों हमें कितना प्राप्त हुआ? 3795। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा आपको प्रत्यक्ष विधि द्वारा आपको ये सारणी तैयार कर लेनी है। उसके बाद इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन, ये समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान है आपके
95 और n का मान पहले ही निकाला 170। जैसे हम 3795 में 170 का भाग लगाएंगे दोस्तों, x बार का मान आ जाएगा आपके 22.32। तो इस प्रकार दोस्तों हमने समांतर माध्य बड़ी आसानी से ज्ञात कर लिया। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और दोस्तों को अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।